गैस देखो, सैमसंग से रिलेटेड यहाँ पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकलती हुई आ रही है। आज के इस वीडियो में गैस मैं आपसे बात करूंगा खास तौर से इसके प्राइस लीक के बारे में। और यहाँ पर प्राइस लीक के बारे में तो भाई बात करूंगा ही, क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसे जो फीचर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड ये है कि S25 सीरीज में कंपनी जो है वो प्राइस इंक्रीज कर सकती है। जी हाँ, अब यहाँ पर ये जो प्राइस इंक्रीज की इन्फॉर्मेशन है ये काफी सारे सोर्सेस से निकलती हुई आ रही है, और अब इसके पीछे काफी सारे रीजंस भी हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सैमसंग ने काफी टाइम से अपनी एस सीरीज में प्राइस इंक्रीज नहीं किया था। मतलब कुछ ना कुछ करके सैमसंग जो है वो अपनी एस सीरीज के प्राइस को कम ही रखने की कोशिश करती है, मतलब ऐसी कंपनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो दोस्तों सैमसंग का यूजर बेस बढ़े। अब यहाँ पर भले ही वेनिला मॉडल में एक्सिनस प्रोसेसर प्रोवाइड करती है, क्योंकि भाई अगर सब में स्नैप के प्रोसेसर प्रोवाइड करने लगी तो भाई उसमें वो 5000 का प्राइस ऑलमोस्ट जो है ना वो अलग से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस बार गाइस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ प्राइस सेम रहने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन ये निकलती हुई आ रही है कि इस बार एस सीरीज में जो प्राइस है वो अराउंड $100 से भी ज्यादा का हो सकता है। मतलब $110 के हिसाब से, मतलब इतना ज्यादा प्राइस इंक्रीज इसमें हो सकता है। अब यहाँ पर मे भी आप बोलोगे कि हमें डॉलर में नहीं, हमें इंडियन रुपीज में बताओ, तो यहाँ पर देखो आप एक अंदाजा पकड़ के चल सकते हो कि 9 से 10 हजार या 11,000 तक, मतलब 9 to 11,000 तक जो ना दोस्तों प्राइस इंक्रीज हमें देखने के लिए मिल सकता है, इफ नॉट फॉर वेनिला मॉडल बट डेफिनेटली फॉर गैलेक्सी एस अल्ट्रा मॉडल। अब यहां पर गाइस देखो, इसके काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें एक प्रिज्म टेक्नोलॉजी आने वाली है, जहां पर जो टेलीफोटो जूम है वो और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। और इसको जो ना दोस्तों मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, ताकि सही से आप समझ पाओ कि भाई किस तरीके की टेक्नोलॉजी हो सकती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा अभी तक तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर से उस वीडियो को चेक करना। वैसे गाइस अगर मैं नेक्स्ट में बात करूंगा तो देखो, इसमें जो प्रिज्म टेक्नोलॉजी आने वाली है वो इसके टेलीफोटो और पेरिस्कोपिक लेंस पे रहेगी, जहां पर जो नॉर्मली लाइट कैप्चर होती है कैमरे में उससे हटके प्रिज्म टेक्नोलॉजी से ना दोस्तों ज्यादातर लाइट कैप्चर हो पाएगी लेंस में, जिससे कि जो फोटो क्लैरिटी है वो काफी जबरदस्त होगी। और खास तौर से जब जूम किया जाता है तो उसमें जो लाइट है वो और ज्यादा अंडर एक्सपोज हो जाती है, तो अगर प्रिज्म टेक्नोलॉजी लाइट कैप्चर प्रॉपर होती रहेगी तो भाई जूम करने के बाद में भी जो लाइट है वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर गाइस ये काफी जबरदस्त टेक है, अगर आपको इसको प्रॉपरली समझना है तो मेरी वीडियो को जरूर से चेक करना। इसके अलावा गाइस इसमें और भी दूसरे ऐसे फीचर्स है जिनके बारे में लीक्स निकलती भी आई है कि भाई इनकी वजह से भी प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस है। सबसे पहली चीज ये है कि इसमें सारे ही मॉडल्स में कंपनी क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोवाइड कर सकती है। अब यहाँ पर देखो, अब तक तो यही लीक है, वो बात अलग है कि लॉन्च से कुछ टाइम पहले या मे बी इवन लॉन्च इवेंट को सैमसंग अनाउंस कर दे कि भाई जो वेनिला मॉडल्स है उसमें एक्सिनस के प्रोसेसर मिलेंगे। मतलब इट्स सैमसंग यार, मतलब भरोसा नहीं है कुछ। और इसके अलावा गाइस इसके डिस्प्ले में कंपनी जो है ना वो इंक्रीज कर सकती है, 6.9 इंच का डिस्प्ले कंपनी दे सकती है, एज सेम एज आईफोन 16 प्रो मैक्स। और भाई एक जबरदस्त चीज ये भी है कि कंपनी इस बार 16 GB का मॉडल प्रोवाइड कर सकती है, वो भी इसलिए तो ये सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत काम आता है। तो यहाँ पर ये जो 16 GB वाली जो लीक है ये भी कहीं ना कहीं पर काफी ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है। तो यहाँ पर गाइस देखो, काफी सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज में प्राइस इंक्रीज हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट्स कॉलम में जरूर से बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लो। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।